हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ, यानी कि दोस्तों जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने फाइनली जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। और दोस्तों आज मैं आपको जो पूरा रिजल्ट है कट ऑफ के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जेएमआरसी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट पर अपन को जाकर के ये जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जेएमआरसी सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमने जेएमआरसी सर्च कर लिया है। दोस्तों जेएमआरसी सर्च करने के बाद में इसकी जो साइट है वो हमारे सामने आ जाती है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल साइट आ रही है इस साइट को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो दोस्तों इस साइट को मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जेएमआरसी की जो ऑफिशियल साइट है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस साइट को नीचे स्क्रॉल करना है। और दोस्तों जब आप इस साइट को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो है एक जो न्यू अपडेट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और दोस्तों हमें क्या करना है, इसे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये जो है डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। तो फाइनली दोस्तों जेएमआरसी का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है वो 9 जून 2021 यानी कि दोस्तों कल जो है इसका रिजल्ट है वो कल शाम को जारी किया गया। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि दोस्तों 6 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यानी कि दोस्तों ये जो रिजल्ट जारी किया गया है वो जूनियर इंजीनियर की 6 पोस्टों के लिए ही ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो पोस्ट कैटेगरी है वो देख लेते हैं कि कितनी पोस्टें थी और किन किन कैटेगरियों में थी। तो दोस्तों इस तरफ जो है टोटल पोस्ट दी हुई है, जो जनरल कैटेगरी है दोस्तों उसमें जनरल की 1 पोस्ट है और जो वुमेन की थी वो 0 पोस्ट थी। वहीं दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट है यानी कि एससी कैटेगरी, उसमें जनरल की 1 पोस्ट थी और वुमेन की 0 पोस्ट थी। वहीं दोस्तों जो एसटी यानी कि एसटी कैटेगरी में जो जनरल की 1 पोस्ट थी और वुमेन की 0 पोस्ट थी। वहीं दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी थी उसमें जनरल की 1 पोस्ट थी और जो वुमेन कैटेगरी है उसकी 0 पोस्ट थी। इसके अलावा दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें जनरल की 1 पोस्ट थी और वुमेन की 0 पोस्ट थी। तो उसी तरह जो एमबीसी कैटेगरी है उसमें भी जनरल की 1 पोस्ट थी और वुमेन की 0 पोस्ट थी। यानी कि दोस्तों जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो 6 पोस्ट थी उनमें जो टोटल जो है 6 वैकेंसियाँ जारी की गई थी जिनमें जनरल की ही पूरी पोस्टें इसमें रखी गई थी। तो दोस्तों फाइनली इन पे जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। तो दोस्तों आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेएमआरसी उसने यहाँ पे साफ साफ बताया है कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 5 फरवरी 2021 को हुआ था और ये जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। तो दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि जो जेएमआरसी है उसने किन किन कैंडिडेट्स को जो है इसमें सेलेक्ट किया है और इसका जो मेरिट है वो क्या गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इस सारणी में जेएमआरसी ने बता दिया है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों ये जो लिस्ट है वो किसकी है, जिन 6 कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया गया है उनकी ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है। और दोस्तों ये जो रिजल्ट जारी किया गया है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो है मेडिकल फिटनेस के लिए और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है उसमें किन किन कैंडिडेट को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों एक तरफ जो है इसमें आउट ऑफ 100 में से जो मेरिट है वो बताई गई है, रोल नंबर बता दिया गया है, साथ में कैंडिडेट का नाम भी यहाँ पे बताया गया है। और दोस्तों जो डोमिसिल स्टेट है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है और जो कैटेगरी है एप्लीकेशन की वो भी इसमें बताई गई है, साथ में जेंडर और जो DOB है वो भी बता दी गई है। और दोस्तों साथ में ये भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उसका जो सिलेक्शन है वो किस कैटेगरी से इसमें हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 6 कैंडिडेट को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है और दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इसमें दोस्तों जो पहला कैंडिडेट है उसके 80.75% मार्क्स आए हैं और दोस्तों इसका जो पहला मेरिट है वो 80.75 पे ही गया है। और दोस्तों इसका यानी कि इस अभ्यर्थी का जो है इसमें रोल नंबर दिया हुआ है, उसका नाम दिया गया है और इसी तरह उसकी जो कैटेगरी है वो भी बता दी गई है और साथ में उसका जो स्टेट है वो भी बता दिया गया है। और दोस्तों साथ में यहाँ पे DOB और उसकी जो सिलेक्शन कैटेगरी है वो भी यहाँ पे बता दी गई है। इसी तरह दोस्तों जो दूसरा कैंडिडेट है उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो 80.5% पे हुआ है, तीसरे कैंडिडेट का दोस्तों इसमें 78.75% पे हुआ है और जो चौथा कैंडिडेट है दोस्तों उसका जो सिलेक्शन है वो 78.5% पे हुआ है और जो दोस्तों पाँचवा कैंडिडेट है उसका जो सिलेक्शन इसमें 74.75% पे हुआ है। साथ में दोस्तों जो छठा कैंडिडेट है उसका जो सिलेक्शन है वो 67.5% पे हुआ है। तो दोस्तों जिन जिन कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया गया उसका रोल नंबर और उसका जो नाम है यहाँ पे बता दिया गया है। तो दोस्तों आप फाइनली इसका जो रिजल्ट है ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हो और दोस्तों इनकी जो सिलेक्शन कैटेगरी है वो भी इसमें बता दी गई है। अब दोस्तों आगे जो जेएमआरसी है उसने जो है कैंडिडेट को जो है इसमें बताया है, यानी कि जो कैंडिडेट जिनका जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जिन 6 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है वो जो जेएमआरसी का ऑफिशियल जो साइट है वो बार बार जो है विजिट करते रहें और दोस्तों अपनी जो ईमेल आईडी है यानी कि जो ईमेल आईडी उन्होंने फॉर्म में लगाई थी उस ईमेल आईडी को वो चेक करते रहे, क्योंकि दोस्तों इसका जो कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड जो है उन्हें ईमेल से भेजा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो भी वो चेक करते रहें, क्योंकि दोस्तों जेएमआरसी ऑफिशियल साइट पर भी जो है उन्हें जो है इन्फॉर्म कर सकती है, साथ में वो जो अपना एडमिट कार्ड है वो इसकी ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो जेएमआरसी यानी कि जो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है दोस्तों, उसने जो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट है उनकी भी जो है एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आप देख सकते हो पैनल ऑफ प्रोविजनली वेट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों इन कैंडिडेट को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मान लो वो 6 अभ्यर्थी हैं, उनमें से अगर कोई जाता नहीं है तो दोस्तों इनमें से जो है इस लिस्ट में से जो है अभ्यर्थियों को वहाँ पर जो है बुलाया जाएगा। और दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट है वो किसके लिए जारी की जाएगी दोस्तों, वो भी मेडिकल फिटनेस के लिए और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए ही ये जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जीएमआरसी यानी कि जो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसने उन अभ्यर्थियों के यहाँ पे रोल नंबर दे दिए, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा उन अभ्यर्थियों के यहाँ पे रोल नंबर दे दिए गए हैं और उनका जो नाम है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। साथ में उनकी जो कैटेगरियाँ हैं वो भी इसमें बता दी गई है, DOB है वो भी इसमें बता दी गई है। और दोस्तों उनका जो सिलेक्शन है वेटिंग लिस्ट में किन नंबरों पे किया जाएगा आउट ऑफ 100 में से, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है कि इन नंबरों पे जो है उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अगर मान लो दोस्तों उन 6 अभ्यर्थियों में से अगर कोई कैंडिडेट नहीं जाता है तो इन अभ्यर्थियों में जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में इन्हें बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेएमआरसी है उसने फाइनली जो है लगभग जो 18 जो अभ्यर्थी है उन्हें जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में जो है चिन्हित किया है, यानी कि दोस्तों इन 18 अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में रखा गया है और इन्हीं में से जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथ में दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट है इनके लिए जो जेएमआरसी है उसने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट है वो जो है जेएमआरसी की जो ऑफिशियल साइट है उसे जो है हमेशा विजिट करते रहें और दोस्तों अपना जो ईमेल आईडी है वो चेक करते रहें, क्योंकि दोस्तों वो जो कॉल लेटर है वो उन्हें ईमेल आईडी से सेंड कर दिया जाएगा और इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो भी वो बार बार विजिट करते रहें, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के लिए ही उन्हें जो है बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इसका जो कट ऑफ मार्क्स है यानी कि दोस्तों इसका जो फाइनली जो जेएमआरसी उसने जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट्स ऑफ कट ऑफ मार्क्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी दी हुई है आउट ऑफ 100 में से उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी कर दिया गया और किन कैंडिडेट को इस कट ऑफ मार्क्स पर सेलेक्ट किया गया वो भी बता दिया गया है। साथ में दोस्तों इसका जो ये जो एक सेक्शन है वो वेटिंग लिस्ट के रूप में भी उन्होंने बता दिया है कि आउट ऑफ 100 में से जो है उनका कट ऑफ मार्क्स कितना रखा गया है और दोस्तों किन कैंडिडेट को जो है इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है उसका जो अभी का जो मेरिट गया है वो दोस्तों आउट ऑफ 100 में से 80.75% पे गया है, जिसमें एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और अगर दोस्तों इसी कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट के रूप में किसी अभ्यर्थी को बुलाया जाता है तो उसका जो आउट ऑफ 100 में से मेरिट है वो 78.5 पे जाएगा, जिसमें दोस्तों 3 अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया है। वहीं दोस्तों जो एससी कैटेगरी है उसमें दोस्तों अभी का जो मेरिट है वो 80.5% पे गया है, जिनमें एक अभ्यर्थी सिलेक्ट हुआ है। और दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट के रूप में बुलाया जाएगा तो इसी कैटेगरी में 70.25 पे इसका मेरिट जाएगा, जिसमें दोस्तों 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो OBC कैटेगरी है उसमें भी अभी का जो मेरिट है वो 78.75 पे गया है, जिसमें एक कैंडिडेट को इसमें सिलेक्ट किया गया है। और दोस्तों अगर इसी कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो 76.5% पे जो है इसका मेरिट जाएगा, जिसमें एक पोस्ट पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वही दोस्तों जो EWS की जो कैटेगरी है उसमें दोस्तों अभी का जो मेरिट गया वो 78.5% पे गया है, जिसमें एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। और दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट आउट ऑफ 100 में से 74.25 पे रखा गया, जिसमें 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वही दोस्तों जो MBC कैटेगरी है उसका अभी का जो मेरिट है वो 74.75 पे गया है, जिसमें एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। और दोस्तों इसमें अगर आउट ऑफ 100 में से वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो 61.5 पे इसकी मेरिट जाएगी, जिसमें 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं दोस्तों जो ST कैटेगरी है उसमें अभी का जो मेरिट है वो 67.5% पे गया है, जिसमें एक अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया गया है। और अगर दोस्तों इसी कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो आउट ऑफ 100 में से वो जो वेटिंग लिस्ट है वो 63.75 पे जाएगी, जिसमें दोस्तों 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी जो है जेएमआरसी ने 6 कैंडिडेट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है और 6 कैंडिडेट को इसमें जो है सिलेक्ट कर लिया है। अगर दोस्तों इनमें से किसी एक भी कैटेगरी पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो एक पोस्ट पर 3 अभ्यर्थियों को जो है इसमें बुलाया जाएगा, वो भी वेटिंग के रूप में। और दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है उनका मेडिकल फिटनेस है उसके लिए जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें दोस्तों लगभग 18 अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में रखा है, यानी कि इन्हीं 18 अभ्यर्थियों को ही वेटिंग लिस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेएमआरसी फाइनली उसने जो अपना जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और दोस्तों कोई भी अभ्यर्थी अपना जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अपनी जो आंसर की है यानी कि फाइनल आंसर की है वो जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट से वो जाकर के डाउनलोड कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो आंसर की है वो क्या है, फाइनल आंसर की है। इसके बाद में कोई आंसर की जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।